जम्मू कश्मीर में खुद को कश्मीरियों का हिमायती बताने वाले आतंकियों, पाक परस्त अलगाववादियों और उनके समर्थकों की एक बार फिर से पोल खुल गई है। इन देशद्रोहियों के जहन में कश्मीर के देशभक्तों का डर इस कदर हावी हो गया है कि उन्होंने बकरीद पर कश्मीर घाटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। आतंकवादियों की नापाक हरकतों की वजह से 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। बकरीद के दिन भी कश्मीर के कई घरों में मातम मना। वहीं पाकिस्तान के हिमायती लोगों को दिल्ली में कुछ दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का भारत माता की जय का नारा लगाना जरा पसंद नहीं आया। तभी तो नमाज पढ़ने पहुंचे फारूक के विरोध में कट्टरपंथियों की भीड़ जुट गई। पहले ईद के दिन औरंगजेब की शहादत और अब बकरीद के दिन 3 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद सवाल उठ रहे हैं, आखिर आतंकवादियों के निशाने पर देशभक्त कब तक रहेंगे और देश के दुश्मनों की कुर्बानी अब जरूरी है? जम्मू कश्मीर में आतंकियों को देशभक्तों से डर लगता है। तभी तो वो बकरीद के दिन भी कायराना हरकत करने से बाज नहीं आए। कश्मीर में अमन के असली दुश्मन बेनकाब हो गए। पहले इस मुबारक दिन नमाज से पहले लोगों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया। और फिर देशभक्त मुसलमानों की हत्या करने से बाज नहीं आए। और तो और दिल्ली में भारत माता की जय के फारूक अब्दुल्ला के नारे से आतंकी और कट्टरपंथी इस कदर बौखला गए कि फारूक अब्दुल्ला से बदसलूकी करने में भी नहीं चूके। पाकिस्तान और उसके इशारों पर काम करने वाले आतंकी खुद को कश्मीर के लोगों का हिमायती बताते हैं, लेकिन एक बार फिर उनकी पोल खुल गई। बकरीद पर जब सारी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही थी तो कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ईद का जश्न नहीं मनाने दिया। पिछली ईद के दिन चौधरी मोहम्मद औरंगजेब की हत्या की थी, आज शबीर अहमद भट्ट की हत्या हुई है। एक बात तय हो गई है कि पाकिस्तान इस्लाम का, मुसलमानों का और कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब ईद पर घर छुट्टी मनाने आए सेना के जवान औरंगजेब को आतंकियों ने अगवा कर हत्या कर दी थी। कुछ उसी तरह बकरीद पर पुलवामा में आतंकियों ने इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ डार की उनके घर के पास ही गोली मार कर हत्या कर दी। डार से पहले आतंकियों ने 2 और पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बनाया। कुलगाम में आतंकियों ने कांस्टेबल फयाज अहमद शाह की गोली मार कर हत्या कर दी। उस वक्त फयाज ईद की नमाज के बाद घर लौट रहे थे। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने फयाज की हत्या की जिम्मेदारी ली है। दूसरी तरफ पुलवामा में आतंकियों ने एक और पुलिसकर्मी मोहम्मद याकूब शाह को भी गोली मार दी। आतंकी देश के लिए उठने वाली हर आवाज को गोली से खामोश करने की कोशिश करते हैं। तभी तो उनके निशाने पर सिर्फ सेना के जवान ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी। पुलवामा में बीजेपी कार्यकर्ता शब्बीर अहमद भट्ट की हत्या इसी बात की गवाही देती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में देशभक्त कब तक कुर्बान होते रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए अस्तित्व को देखते हुए वैली में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टारगेट बनाया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा और पाकिस्तान प्रस्त लोग जो आज भी हुर्रियत या दूसरे जैशे मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन के ऐसे लोग हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा। बकरीद पर श्रीनगर में ना सिर्फ सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए गए बल्कि कभी इस्लामिक स्टेट के काले झंडे तो कभी पाकिस्तान के झंडे लहराकर अपनी परस्ती दिखाने की कोशिश की गई। खुद को आतंकी जाकिर मूसा का हिमायती बताने वाले लोग भी इस भीड़ में शामिल थे। और जब इससे बात नहीं बनी तो ये देशद्रोही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की देशभक्ति पर भड़क उठे।
फारूक अब्दुल्ला ने भारत माता की जय के नारे दिल्ली में लगाए थे। मुबारक है इस धरती को जिसने अटल को पैदा किया, और मैं खुशी से ये कहता हूँ मुझे भी उसने एक वक्त दिया कि मैं भी इस आदमी को समझ सका, और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मरते दम तक जब तक जिंदा हूँ उन्हीं के रास्ते पे चल के इस देश को इतना मजबूत बनाऊं कि कोई इस देश को हिला नहीं सकता। मेरे साथ एक नारा दीजिए और हाथ उठा के नारा दीजिए, भारत माता की। अरे भाई लोगों, ये तुम्हारी आवाज है, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लेकिन इसकी गूंज को कश्मीर में आतंकी, उनके आका और कट्टरपंथी बर्दाश्त नहीं कर पाए, और फारूक अब्दुल्ला जब हजरत बल दरगाह में ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उससे पहले ही वहां उनका जमकर विरोध हुआ। क्यों विरोध था? क्या हम हिंदुस्तान से अलग हैं? हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं? नहीं है। हमने रहना इस मुल्क में है, मरना इस मुल्क में है। हम गद्दार नहीं है, और जिस तरह हमें दिखाया जाता है कि हम गद्दार नहीं है। ये चंद सर फिरे हैं जो ये कर रहे हैं, कश्मीरी गद्दार नहीं है, वो इस वतन का एक हिस्सा है और इस वतन के साथ इज्जत से रहना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। सोचिए कि कट्टरपंथी लोग भारत की जमीन पर रहकर भारत से ही कितनी नफरत करते हैं। हालांकि इन कट्टरपंथी और पाक परस लोगों और आतंकियों के हर मंसूबों को कश्मीर के देशभक्त और सेना बार बार नाकाम करती रही, ऐसे में इन लोगों को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। नहीं, ऐसे लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और थोड़ा भी इनकी ओर दया दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों का इलाज जारी है। अब बारी पत्थरबाजों की, देशद्रोहियों के हाथों में बंदूक हो, पत्थर या फिर पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे, उनका इलाज कैसे किया जाना है ये हर देशभक्त अच्छी तरह जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।